घर का ना मेरा एक कोना काफ़ी साल से मैंने प्लान करके रखा था क्या करना है क्या करना है। तो उसे सबसे पहले हरा करने का प्लान किया था क्योंकि मुझे मोटिवेशन आ ही नहीं रहा था। तो ये है वो कोना, ये बालकनी है जो बिल्कुल मुझे रूखा रूखा सा लग रहा था क्योंकि छोटी सी बालकनी है और इस बालकनी से मतलब ऐसे बहुत कोई शानदार व्यू है ऐसा भी नहीं। और इसका जो रूफ़ है वो भी हमने शेड लगा रखा है। तो मैंने सोचा पहले अच्छे से इसे ग्रीन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। तो मैंने इसमें गिलोय चढ़ाया हुआ था और ये अब बिल्कुल बारो मासी ये गिलोय ऐसे हरा हरा सा लगता है, तो यहाँ आने में अच्छा लगता है। तो अब इसे प्लान कर रही हूँ कि इसमें कुछ किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो घास होता है ना जो बालकनी में बिछाते हैं, वो बिछाएंगे नहीं, उसे दीवार पे लगाएंगे। तो इस तरह से ड्रिल करना है और ड्रिल करने के बाद उसे बहुत पास पास लगाना है, दूर दूर लगाएंगे तो झोल आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये एक एक फीट के डिस्टेंस पे ये आपको ड्रिल करके इसे फिक्स करना है। बहुत ईजी है, इसे आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं या चाहे तो जिनसे आप ले रहे हैं उनसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ध्यान बस ये रखिएगा कि वॉशर यूज़ करना है। अगर आप वॉशर ना यूज़ करके सिर्फ स्क्रूइंग करेंगे ना तो ये थोड़ी देर में बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसमें होल्स रहते हैं ड्रेनेज के लिए, परफोरेशन रहता है। तो वॉशर लगाएंगे तो दिखता भी नहीं है, ये देखिए जैसे ये बिल्कुल घास के अंदर ना दब जाता है। तो ये बहुत इजी तरीका है कोई भी वॉल को डेकअप करने का। ये ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा पैच बचा है, ये भी हो जाएगा, उसके बाद अपन इसको कुछ प्लान करते हैं। और ये घास जो है ना काटना बहुत ईजी है, तो आप चाहे खुद भी कर सकते हैं इसको। अब जब सब रेडी हो गया है तो ये ऑलमोस्ट पूरा मोटिवेशन दे रहा है, तो इसमें अब सेटिंग करते हैं। चलिए, क्योंकि ये आउटडोर है और यहाँ पे बारिश के पानी एकदम बहुत अच्छे से आता है, तो फर्नीचर का जो मटेरियल है उस पर ध्यान रखना है। तो मैंने प्लास्टिक के जो नील कमल के आते हैं ना, उसके कुछ सुंदर वाले जो चेयर होते हैं वो मैंने रखा है। क्रीम कलर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत इजीली क्लीन भी हो जाता है। और चूंकि पूरा एरिया डार्क हो गया है, ग्रीन हो गया है, तो फर्नीचर लाइट कलर रखने से वो पॉपअप भी करेगा और थोड़ा हल्का सा और थोड़ा सा स्पेशियस ज़्यादा लगेगा। डेकोरेशन के लिए भी जो बॉटल मैंने रखा है वो बिल्कुल वेदर प्रूफ है, ये पानी वानी में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एक कॉर्नर पे ऊंचा वाला मटका स्टैंड जो होता है ना उसको रखा और उसके ऊपर मैंने ये ब्रोकन हार्ट का मॉस्टिक में लगा हुआ पेड़ लगा दिया। ये कुछ ही दिनों में और हरा भरा हो जाएगा तो प्यारा सा लगेगा। नीचे वाला जो एरिया खाली था ना उसमें एक दही की मटकी थी, उस पर मैंने सैंसवेरिया लगाया था, वो रख दे रही हूँ। ये थोड़ा सा पैच खाली है, बहुत जगह यहाँ है नहीं। तो ये चपटा वाला याद है आपको, नारियल से बनाया था ये वाला प्लांटर, इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसे रख देते हैं। और थोड़ा सा DIY करते हैं। DIY के लिए जो टोकरियाँ नहीं होते जिसमें सब्जी बेचते हैं, उससे मैं लैम्प बनाने का प्लान कर रही हूँ। तो इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रख के प्लान कर रही हूँ। और चलिए आपको ना मैं किस तरह से आप पूरा कम्प्लीटली A to Z आप ही बना सकते हैं। तो मैंने एक होल्डर खरीद लिया मार्केट से, एक तार ले लिया है और एक प्लग ले लिया है, इस बस इतना ही चाहिए। और एक ऑब्वियसली बल्ब चाहिए जिससे लाइट जलेगी। और अगर आपको ये पता है किस तरह से किया जाए तो आप इसे ना 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। और नहीं पता है तो मैं डिटेल में इसे किस तरह से बनाया जाता है वो बता रही हूँ, वो देखिए ध्यान से।
किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हल्का सा ना इस तरह से चीरा लगा देना है ताकि ऊपर का जो वो रबर वाला जो मटेरियल है वो कट जाए पर तार ना कटे। तो बहुत हल्के हाथों से इस तरह से चीरा लगाना है। यूजुअली ना जेंडर डिमार्केटेड रहता है कि ये आदमी ही करेंगे, औरतें नहीं करेंगी। तो जैसे मैं कहती हूँ कुकिंग सबके लिए ज़रूरी है, उस तरह से ये बेसिक चीज़ें हैं ये भी सबको आना चाहिए। तो ये दोनों तार अलग अलग करना है, किसी भी हाल में ये दोनों तार आपस में मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी के लिए केयरफुल रहना है। तो इसे अच्छे से ट्विस्ट कर लेते हैं और चीरा लगा लेंगे तार में बीच में, और इस तरह से ये जो है ना अलग अलग इसके नॉब्स हैं, पहले पीछे वाले एरिया को इसमें डाल देते हैं और इन नॉब्स में इसे अलग अलग हमें सेपरेटली ट्विस्ट करके डाल देना है। ट्विस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये खुल ना जाए, अच्छे से घुस भी जाए, और मिक्स नहीं करना है किसी भी हाल में। दो तार जुड़ने नहीं चाहिए, बार बार इसलिए कह रही हूँ, परेशान ना हो ताकि बहुत बड़ा झमेला ना हो। और अगर गलती से जुड़ गया हो तो MCB गिर जाएगा, MCB उठा दीजिएगा। आजकल तो हरी उसमें रहता है, हर इलेक्ट्रिसिटी वाला जितना भी आजकल काम होता है उसमें MCB लगा देते हैं, पहले ज़माने में नहीं होता था। तो वो MCB गिर जाएगा, करंट अगर चला जाए तो MCB ऊपर कर दीजिएगा और फिर चेक करिएगा ताकि ये जुड़ गया होगा, तभी होता है ऐसा। पास वाले लोकल शॉप से लिया था ना, तो ये वाला होल्डर मिला है, इसमें और प्लग वर्क भी लग जाता है। तो खैर नॉर्मल वाला होल्डर भी आप ले सकते हो, और ये एक प्लग है जिसमें आप सॉकेट में डालोगे। इसमें भी अटैच करने के लिए इस तरह से रहता है, इसे भी अलग से हमें ऐसे ट्विस्ट करना है, मोड़ लेना है और इसे अंदर डाल के इसकी स्क्रू को टाइट कर लेना है। तार अलग अलग हो, उसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो है ना वो बराबर हो, ऊपर नीचे रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिट करते वक्त उसे बराबर सेट करना है। वो जो ग्रूव था उसमें जैसे मैंने सेट किया था बिल्कुल वैसे ही सेट करना है और इसे टाइट कर देना है। अब इसमें हमने लगा देना है बल्ब, और 60 वॉट का बल्ब लगाएंगे ना तो अच्छे से वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। केन का जो बास्केट है उसे यूज़ करने का रीज़न ये है कि उसमें से लाइट निकलेगा और वो केन का जो टेक्सचर है वो पूरे दीवारों में और फ्लोर पे आएगा। मैं ऊपर ऐसे छेद नहीं कर रही हूँ ताकि ये बास्केट ख़राब ना हो जाए, इन केस मुझे बाद में इसे कुछ और यूज़ करना हो तो मैं कर सकूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से जिप टाइज ले रही हूँ। आप जिप टाइज बहुत ईजी हो जाता है एक्चुअली, तो जिप टाइज ना लेकर आप ऐसे चाहे तो जूट रोप से भी बांध सकते हैं, किसी धागे से भी बांध सकते हैं मोटे धागे से। जिप टाइज जो है ईजी होता है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और ये बहुत नीटली ये हो जाएगा, टाइट रहेगा और बाहर रहेगा तो वेदरिंग से ख़राब भी नहीं होगा। टाइट कर लेना और इस तरह से इसे काट लेंगे ना तो ये एकदम नीट हो जाएगा, सुंदर सा हो जाएगा। बल्ब चेक कर लीजिएगा फिक्स करने के पहले, ये बढ़िया से जल रहा है। अब इसे हमने इसके अंदर ऐसे जस्ट डाल देना है। आप चाहे ना ऊपर से तो ड्रिल करके प्रॉपर वैसे भी बना सकते हैं, बट मैं बास्केट को वेस्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है। कल को मैं बोलूँगी कि नहीं मुझे ये वाला बास्केट नहीं चाहिए, तो बास्केट वेस्ट ना हो, कुछ काम आ सके, इसलिए मैं ड्रिल नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसमें ऐसे डाल दे रही हूँ।
सब चीज़ों को सिक्योर करने में मुझे सिर्फ 3 टाइज लगे, ऊपर बांधने के लिए एक धागा रहेगा और जो वो शेड था ना उसके ऊपर इससे मैंने लटका देना है। जस्ट इतना सा किया और अब चलिए देखते हैं फाइनल रिवील कि ये बालकनी कैसे लग रहा है। ये लटका हुआ अंडा जो दिख रहा है ऊपर केन का, ये रात को और भी प्यारा लगता है। अपना लास्ट तक वेट करिएगा, नाइट व्यू मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल वाइब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दिन को तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, कोजी एक कैफे का कॉर्नर जैसा, और मेरे चाय का ये एक जगह हो गया। अब सुबह शाम यहीं बैठना है मुझे, तो रात वाले के लिए रुकिएगा। लेकिन नजारा देखिए, ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। ये पूरे सीलिंग जो ऐसे ही टिन का था वो कितना खूबसूरत लगने लगा है, और पूरी वाइब भी चेंज हो गई है। नहीं, मुझे तो रात वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको दिन वाला व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि रात वाला। यहाँ तो ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड अब हमारा छोटा सा गेट टुगेदर अगर हुआ ना तो यहीं होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। हालांकि आपको शायद उतना क्लियर दिख नहीं रहा है क्या, सामने से ना बहुत प्यारा लग रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपको मेरी बात पे जरा सा भी भरोसा है ना तो मानिए रात को ज़्यादा बेटर लग रहा है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं बताना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी डेकोरेटिंग।